أول مرة تعيد في المدينة؟ أول مرة. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. جان ديو سر. بسم الله. مون كهين سي لياو. سموكي تيست ويد بتر. ها إيدر فاون ركو. यार वो पुछर मार रहे हैं यार। आज की वीडियो में आपको मक्का और मदीना में ईद सेलिब्रेशंस किस तरह की चल रही हैं सब कुछ देखेंगे आप। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज ईद का पहला दिन है और सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। और आजकल वैसे मैं मदीनातुल मुनव्वरा के एक लोकल मोहल्ले में रह रहा हूँ, बल्कि काफ़ी पुराने मोहल्ले में रह रहा हूँ, हई अल मगेसला में। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त माहौल है क्योंकि लोकल लाइफ भी देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, और ख़ास तौर पर लोकल्स रहते हैं इस मोहल्ले में। खैर, आज के व्लॉग में हम लोगों ने देखना है कि ईद सेलिब्रेशंस शाम को किस तरह की चल रही है मदीनातुल मुनव्वरा में। अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी, लेकिन शाम को निकलेंगे, बल्कि रात को निकलेंगे, क्योंकि सेलिब्रेशंस वगैरह जितनी भी हैं वो रात को होती हैं। ईदुल मुबारक, ईदुल मुबारक, ईदुल मुबारक, ईदुल मुबारक, ईद सईद आई खुशियों के ढेर लाई, ईद सईद आई। देखें, खूबसूरत शाम हो रही है यहाँ पर मस्जिद नबवी में, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे इंशाल्लाह सलाम अर्ज करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर और देखेंगे मदीना का माहौल वगैरह। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद सईद आई। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अर्ज कर लिए, और इस बार रश जो है ना, ऐसा रश मैंने जिंदगी में नहीं देखा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। कुल आम व अंतुम बखैर, ईदकुम मुबारक। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें, इधर पूरा ये फंक्शन चल रहा है भाई, इधर पट्टी खेल रहे हैं और उधर हमारे आलू है वो जाके खाते हैं, मेन चीज। यार कैसे लग रहा है मदीना में ईद? ईद की नमाज माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, और जो ईद की नमाज में यहाँ पे सुकून मिला ना, पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन वो जो एक ईद सेलिब्रेट करने वाला सेलिब्रेशन ठंडी है, सेलिब्रेशन पाकिस्तान में जो है ना धमाकेदार होती है। यहाँ पे थोड़ी सी फूड स्टॉल्स भी कम है उस तरह से, लोगों का आपस में आना जाना और गलियों मोहल्लों में रश, खास तौर पर हर जगह पे वहाँ पे स्टॉल लगा होता है, यहाँ पे उस तरह का सीन ज्यादा थोड़ा। इधर ये स्टॉल है ना यार, ये ट्राई मारते हैं, चैलेंज करना है हैंडबॉल का। यार मुझे नहीं आती खेलने, मुझे भी नहीं आती, थोड़ी सी खेलनी आती है। उधर तीन तीन बंदे पीछे इंतजार में खड़े हैं, देखो। लेकिन वो रस्सा दे देना हमें। चले ट्राई मारते हैं, देखो। अब्दुल मलिक फरीद, हाउ आर यू? ठीक जबरदस्त। थैंक यू। ये देखें, इधर पहला स्टॉल लगा हुआ है, ये ट्राई मारते हैं सबसे पहले, देखते हैं इसमें क्या है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, इसको कहते हैं सिरे। लोकल फूड यहाँ पर बन रहा है, ट्रेडिशनल वे। इसमें शेख यहया, शेख यहया, माशाल्लाह। ज़हरानी वन्नाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल, माशाल्लाह। इधर घूमते फिरते हो? हाँ जी, बस आज आए थे मामा से जल्दी। अच्छा, माशाल्लाह। तलब हक़ नजाइज़ या शेख? ये भाई हमारा ऑर्डर बन गया इधर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये चिकन है, इसको पहले इन्होंने कट किया। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह, गरम गरम, ज़बरदस्त, गरम गरम, बहुत मज़ेदार। और ये खाना होता है हमारे अफ्रीकन भाइयों का, ऊपर मसाला वगैरह डाला हुआ है। इधर हमारा बीफ भी तैयार होने वाला है, ज़िब्दा। इन्होंने भाई ये मक्खन भी डाला है इसके ऊपर, क्या बात है। और अब दोबारा से इसको ना गरम करने के लिए रख दिया है। ये हमारा बीफ तैयार हो गया है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसको कट कर दिए छोटा छोटा, ज़बरदस्त। ये इसको अब इसमें रखेंगे, क्या बात। ये मक्खन डाल रहे हैं भाई इसमें, ये चीज़, और ये मिर्ची है, वाह। ऊपर तेल भी डाला है हल्का सा। अब इसको मक्खन को पिघलने के लिए रख दिया। स्वादा लिया रईस, है ना, इतना कि जाहिस वो मुश्किल किफ़ाया, शुक्रन लग। चले भाई, ये हमारा सिरे आ गया, अब जाके थोड़ी सी चिप्स लेते हैं, फिर एक बार बैठ के खाएंगे एंड पे। सलाम अलैकुम।
हम लोग अभी 3 पार्सल बनवा रहे हैं हमारे, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम खाया था, बड़ा मजेदार लगा। ये वाला 5 रियाल का है और ये जो हम बनवा रहे हैं ये 3 रियाल का। खाली शुगल मुबाहर, सबसे पहले मसाला डाला ऊपर, उसके बाद फिर केचप डाला, फिर ये ऊपर डाल रहे हैं तहीना और ये चिली सॉस शत्ता, जबरदस्त। शुक्रान, ये आ गया हमारा भाई। ये भैया सबसे पहले तो हमारे आलू आ गए, ये आलू आपको पता है बड़े मज़े के होते हैं इनके, लास्ट टाइम खाए थे बड़ा बहुत मज़ा आया था, पता नहीं अब गला तब से ख़राब हुआ था ये कब, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे इस इन्वायरमेंट में बैठ के ना इधर लोकल लाइफ को एंजॉय करते हुए आप ईद के मौके पे खाएं, इसका अपना मज़ा है, ऐसे मारो। ये भाई अभी खो रहे हैं हमारी मेन चीज़, मेन डिश सिरे, ये बहुत ज़बरदस्त है। मक्का में भी हम लोग गाहे बगाहे खाते रहते हैं, लेकिन आज मदीना का लोकल इस माहौल में, इस इन्वायरमेंट में, इन वाइब्स में खाना है तो इनका इंशाल्लाह अपना ही मज़ा होना है। इस रोटी को कहते हैं समूली, इस रोटी के साथ खाते हैं, ये बीफ है, ये चिकन है, इसको भैया डालो इधर और इस पे डालो लेमन, ओए होए होए, और इसमें फंसाओ प्याज, आ हा 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 हा, ये निवाला बने कैसा, कटोरी की तरह एक निवाला बने, बिस्मिल्लाह, बहुत मज़ेदार, स्मोकी टेस्ट विद बटर, बहुत मज़ा दे रहा है यार इस इन्वायरमेंट के साथ, जो मज़ा आ रहा है एंड लेवल का। और जब भी आपने बैठ के खाना है ना, ऐसे ठीक ठाक माल उठाएं, छोटे निवाले वाली बात हमारे पास है नहीं। प्याज ने बड़ा मज़ा दिया था मुझे बीफ के साथ, और साथ में लेमन नेसेसरली है, हाँ 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 हाँ, बहुत मज़ेदार। किधर है लेमन? जो खुशबू है ना लेमन वो पड़ा ये वर्ल्ड कप बनाया ना वो देखो, मामू ने भी वही काम किया। मामू ये आपसे खाया जाना है? नहीं खाया जाना मामू से, मुझे पता है नहीं खाया जाना, नहीं बड़े मामू को मुंह चेक करें ले जी, बिस्मिल्लाह कहते हैं पहले खींचो, हमारे पाकिस्तान वाले अच्छा चिप्स पहले, चिपस 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 कहते हैं हम इसे, सबसे सही फील करके दिया ये लंबी तो जैसी रोटी ली है साथ। ये डिश वैसे कौन सी है, किन की होती इसको है? सीरे कहते हैं, अरबियों की डिश है? नहीं ये अफ्रीकन डिश है। अच्छा अच्छा अफ्रीकन डिश है, हमारे ब्लैक जो भाई है ना ये उनका खाना है, ये बना भी वही रहे थे। हाँ, बना भी वही रहे, यहाँ पे भी ये सऊदीया में बनाते हैं वही बनाते हैं। अच्छा ये तो आप काम पढ़ा रही हो, जान दो फिर आप कहीं से ले आओ। सही स्मोकी है, सही बटर के साथ जो स्मोक है ना नेक्स्ट लेवल है। वैसे ये हमारे अफ्रीकन भाइयों का खाना होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, ख़ास तौर पे इन वाइब्स में, इस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आ रहा है। जैसे ये लोकल लाइफ चल रही है ना, एक सही जो है माहौल फील होता है ईद वाला। इधर देखें भाई घोड़ी भी होती है, मामू चढ़नी है घोड़ी? चढ़नी है यार, एक बार मामू साडा घोड़ी चढ़े। हाँ चलो भाई, मामू घोड़ी चढ़े, वो कहते हैं बड़ों को नहीं चढ़ाते बच्चे चढ़ेंगे बस। यार ये टांग ना मार दे। नहीं मारता, कुछ नहीं कहता। ओ यार इधर पांव रख के चढ़ते हैं इधर। अच्छा भाई, हाँ इधर पांव रखो। यार वो पुछर मार रहा है यार, वो दुम ही ला रही है, वो दुम ही ला रही है, देखो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यल्ला हिना घिना गला फहिना माफी। अयो अयो अशीलो, मैं कह रही हूं इधर ला। ओए ओए एक एक बाबू को घोड़ी भी चलाया है भाई, वो देखो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ए मुदे ए तू पीछे रह यार, पीछे तू पीछे रह, पहली दफा कोशिश कर रहा हूं, गिर जाऊंगा नहीं छेड़ना। हां मामू उतरना नहीं आता अभी। यार ये उतरना कैसे अभी? दुफ दुफ लगा दी बस, मैं उसको धक्का दे रहा हूं। यार कैसे मजा आए, उधर जाके भगाने वाला था। अच्छा भगाने वाला था। ये देखें इधर लोकल किस्म की ना इन्होंने चैनकों के साथ खूबसूरती बना के रखी हुई है, इसका पीछे से पैप लगा हुआ है भाई, लेकिन अच्छी लग रही है। आपने मदीनातुल मुनव्वरा की रौनकें देखी, आपको यकीनन मज़ा आया होगा।
अब आ चुके हैं हम लोग मक्का में, जमजम टावर नजर आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर देखें माशाल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सऊदी अरेबिया का झंडा लगा हुआ है और इधर तंबू लगे हुए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर पूरे अहले इलाका जमा हुए हुए हैं, वहाँ पर गली में बहुत ही खूबसूरत टिकोर हुई हुई है। यहाँ पर भाई इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया है और अब दोबारा से फ़न स्टार्ट होने वाला है। ये देखें अभी दफ़ इधर जो है ना गर्म कर रहे हैं, ये गर्म करके उसके बाद फिर बजाएंगे। अभी थोड़ी देर तक काम शुरू होने वाला है। मुझे कोई तरीका नहीं आता इसका, वो उधर वो जबरदस्त। इधर भाई बहुत ज़बरदस्त रौनक है और अभी थोड़ी देर का इन्होंने स्टॉप लिया है। यहाँ पर जो है गिना चल रहा था तो अपने मौसीकी कल्चर का इजहार कर रहे थे भाई, और वो थोड़ी देर हमने सुना है देखा है। और अब जो है उस्ताद जो है वो थक गए हैं, वो रेस्ट ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें भाई यहाँ पर ये फंक्शन तो चलता रहेगा लेकिन हम भी यहाँ से अभी चल के जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो साउंड ये प्ले कर रहे थे वो वाला मैंने नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पर कुछ दफ से ज़्यादा आलात मौसीकी थे तो इस वजह से, लेकिन मैंने खाली दफ ही शेयर किए। खुशी ब्याह पे ईदों पे दफ अक्सर इस्तेमाल करते हैं।